हिमाचल की खूबसूरती से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, झरनों, बर्फ और प्रकृति की खूबसूरती का अनुपम भंडार है हिमाचल। न सिर्फ पर्यटन स्थल बल्कि श्रद्धालुओं के बीच भी ये प्रदेश काफी लोकप्रिय है। यहाँ के फेमस और पहाड़ों के बीच बसे मंदिर लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। आस्था का ऐसा संगम है कि यहाँ लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। जैसे ये मंदिर है वैसे ही इनका इतिहास है। फिर चाहे वो हमेशा से जल रही माँ ज्वाला देवी की ज्योति हो या फिर नैना देवी मंदिर हो, हर मंदिर खास है और अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर आपके प्रेम विवाह में कोई अड़चने आ रही हैं, तो आपको इस मंदिर में एक बार जरूर आना चाहिए। ये मंदिर प्रेमी जोड़ों के लिए श्रेष्ठ शरण स्थली है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। प्रेमी जोड़ों को शरण देता है ये मंदिर। कुल्लू के शांघड़ गांव में शंगचूल महादेव का मंदिर है, जहां घर से भागे प्रेमी जोड़ों को शरण मिलती है। ये मंदिर भगवान कृष्ण के समय यानी द्वापर युग का बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में फेमस है कि इस मंदिर में प्रेमी जोड़ों को ना तो घर वाले और ना ही पुलिस कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। सांगड़ गांव में ऐसे प्रेमी जोड़ों की खूब खातिरदारी भी की जाती है। इस मंदिर में देश के विभिन्न राज्यों से भागे प्रेमी सुरक्षा के लिए पहुंचते हैं। यहां उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था मंदिर प्रशासन करवाता है। सांगड़ गांव के लोग उनकी खूब मेहमान नवाजी करते हैं। मंदिर के क्षेत्र में पुलिस का आना भी वर्जित है। शंगचूल महादेव को पूरी श्रद्धा से मानने वालों को इस गाँव में हर नियम कायदों का सख्ती से पालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस गांव में लड़ाई झगड़ा तो दूर ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। महाभारत काल से जुड़ी है यहाँ की कहानी। महाभारत कालीन इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि पांडवों को जब अज्ञातवास दिया गया था तब वे इसी गांव में आए थे और गांव वालों ने उन्हें शरण दी थी। जब कौरव उनकी तलाश में इधर आ गए थे तो शंगचूल महादेव ने उन्हें गांव में आने से रोक दिया था और कहा था कि उनकी शरण में जो लोग आए हैं वे उनकी रक्षा करेंगे। ऐसी मान्यता के कारण ही गाँव वाले शरण में आए प्रेमी जोड़ों का खूब सत्कार करते हैं। 2015 में मंदिर में लगी थी आग। साल 2015 में आधी रात को अचानक 20 मूर्तियां समेत मंदिर के 3 मकानों में आग लग गई थी। फिर से दोबारा मंदिर का निर्माण कराया गया। बताया जाता है कि द्वापर युग में भी पांडवों के समय में बने इस संगचूल महादेव का मंदिर जलकर राख हो गया था। इसके बाद फिर से इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था और श्रद्धा है। लोग सदियों से चल रही परंपरा का आज भी निर्वाह करते हैं। शादी का वरदान देते हैं शंगचूल महादेव। केवल प्रेमी जोड़ों के लिए नहीं, ये मंदिर आम लोगों और पर्यटकों के लिए भी खास है। जिन युवाओं की शादी में अड़चने आती हैं, वे भी यहाँ पहुँचते हैं। आप भी इस मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर के आसपास पूरे गांव में आपको हरियाली दिखेगी। इस मैदान में आपको एक भी कंकड़ पत्थर नहीं मिलेगा। यहाँ गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। कभी हिमाचल घूमने का प्लान बने तो आप कुल्लू घाटी में स्थित सांगड़ गांव और शंगचूल महादेव के मंदिर जाकर दर्शनों का लाभ जरूर उठाएं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।